हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबेरियन हस्की के मंथली कॉस्ट के बारे में। इंडिया में वो रह सकता है कि नहीं रह सकता, या फिर अपार्टमेंट में अगर आप इन्हें रखना चाह रहे हो तो ये रह सकता है कि नहीं रह सकता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और क्या ये काफी ज्यादा खर्चालू डॉग ब्रीड है कि ज्यादा लाने के बाद काफी ज्यादा खर्चा इन पे आ सकता है कि नहीं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो एक ही वीडियो में आपको साइबेरियन हस्की का बहुत कुछ पता चलेगा, इनके प्राइस के बारे में सब कुछ, मंथली कॉस्ट सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो मेरी बनाई अगर आपको जरा सी पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला जो बात करते हैं हम वो है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में रह सकता है या नहीं रह सकता। तो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में नहीं रह सकता, काफी लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रहता भी है, काफी अच्छे से सर्वाइव भी कर सकता है। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड काफी ज्यादा लॉन्ग हेयर वाले डॉग ब्रीड है, और ऐसे बहुत सारे जैसे गोल्डन रिट्रीवर डॉग ब्रीड है, चाउ चाउ है, ऐसे बहुत सारे डॉग ब्रीड है जो काफी लंबे हेयर वाले होते हैं, वो इंडिया में काफी अच्छे से रह सकते हैं जैसे वेदर चेंज होता रहता है, बट उनकी थोड़ी बहुत आपको केयर करनी पड़ सकती है। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी आ सकता है उसमें, बट वो रह सकते हैं। बट वहीं दूसरी जगह पे आप जैसे कि सोच रहे हो कि जो हस्की डॉग ब्रीड है वो नहीं रह सकता इंडिया में, तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत सारे लोगों के पास हस्की डॉग ब्रीड आज भी है और काफी अच्छे से रह लेते हैं और संभाल भी सकते हैं, और उनकी केयर करना भी काफी आसान है। इन डॉग ब्रीड के ओरिजिन की बात करूँ तो इनके नाम से भी आपको पता चलेगा कि इनका ओरिजिन साइबेरिया से है। ये एक मीडियम साइज के डॉग ब्रीड होते हैं, और इनकी हाइट की बात करें तो 51 से 60 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है, और वजन की बात करें तो इनका वेट जो होता है 18 से 27 केजी तक हो सकता है, और इनकी लाइफ स्पेन होती है 12 से 14 ईयर तक। ये काफी ज्यादा खूबसूरत डॉग ब्रीड होते हैं। इनके आंखों का कलर देखोगे तो आप दोनों आंखों का कलर अलग अलग भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर में भी देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा ब्लू कलर में भी आपको देखने को मिलेगा। बट जो ब्लू कलर के जो साइबेरियन हस्की होते हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, और जो डॉग शॉप वाले डॉग ब्रीडर होते हैं उनका काफी ज्यादा ज्यादा पैसा लेते हैं अगर आपको वैसा पपी चाहिए तो। ये डॉग ब्रीड आपको जैसे कॉमन कलर में मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड ब्राउन कलर में। ये थोड़े बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं अगर आप इन्हें अच्छे से केयर नहीं करोगे, सोशलाइज नहीं करोगे तो। बचपन से इन्हें ट्रेनिंग और सोशलाइज की काफी जरूरत होती है ताकि ये बच्चे से अच्छे से खेल सके और इनका नेचर काफी शांत टाइप का हो सके। अब बात करते हैं अपार्टमेंट के लिए सही है कि नहीं। तो देखो, 2 BHK हाउस के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि इनको काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। ये काफी ज्यादा बड़े डॉग ब्रीड भी आगे जाके बनते हैं। जब पपी साइज में होते हैं, पपी एज में होते हैं, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़े थोड़े आगे चलते आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर 2 BHK से ज्यादा थोड़ा बहुत हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके घर में बैकयार्ड हो तो काफी ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर घर नीचे का है आपका, ग्राउंड फ्लोर का, तो काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। इन डॉग ब्रीड की ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग देना इनको काफी ज्यादा आसान है, बट बचपन से ही आपको इनको ट्रेन और वेल मेंटेन रखना पड़ेगा। इनके डाइट के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है आपको, क्योंकि इनको मेंटेन रखने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको उनको केयर करना पड़ सकता है। जब गर्मी की बात आती है तब गर्मी में भी इनको सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और इन डॉग ब्रीड को ठंडी जगह पे ठंड में रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आप गर्मी में, आपके घर में अगर कूलर एसी हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की बात, तो प्राइस की बात करें तो जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 25,000 से लेके 40,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा ब्लू आइज वाला ले रहे हो या फिर अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो, डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। तो अच्छी क्वालिटी का जो पपी प्राइस होता है 35,000 से लेके 55,000 तक भी जा सकता है। अगर आप छोटी मोटी जगह से लेते हो, छोटे गाँव से लेते हो या किसी से पहचान से ले सकते हो, तो आपको 25,000 के बीच में भी साइबेरियन हस्की देखने को मिलेगा। इन डॉग ब्रीड की मंथली कॉस्ट करें तो अगर आप एक अच्छा सा डॉग फूड दे रहे हो नॉर्मल क्वालिटी का, तो इनका जो उसमें घर का खाना भी ऐड करना चाहिए, तो जो नॉर्मल खर्चा होता है वो 2500 से लेके 3000 रुपए तक हो सकता है। अगर अच्छे क्वालिटी का दे रहे हो जैसे कि रॉयल कैनन, ड्रूल्स या प्रीमियम डॉग फूड, तो और घर का खाना भी उसमें ऐड कर रहे हो, तो 4000 से 5000 का खर्चा भी आपको आ सकता है। और नॉर्मल जैसे कुछ शैम्पूज वगैरह लेते हो, कुछ एसेसरीज लेते हो, ग्रूमिंग का खर्चा आप बोल सकते हैं, तो वो 500 से 700 रुपए तक आ सकता है। और कभी कभार जैसे वैक्सीनेशन आपको साल में एक बार करना पड़ सकता है, तो उसका खर्चा आपको 1200 से 1500 के बीच में आ सकता है। और जो ईयरली आपको 2 बार उसका जो है, 2 से 3 बार उसको जैसे कि डिवॉर्मिंग करनी पड़ सकती है, तो उसका 200 रुपया खर्चा आपको आ सकता है एक बार का। बट गाइस बता दूं आपको, काफी ज्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं, इसको आप अच्छे से ट्रेन भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप हो तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा भी रहेगा, काफी इनका नेचर भी काफी शांत और अच्छा होता है, बट इनको सोशलाइज और ट्रेनिंग की काफी सख्त जरूरत हो सकती है। और खास करके आप घर में भी आप जो खाना होता है वो भी रोटी
छाछ दही वो भी इनको दे सकते हो। बट एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको मेंटेन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, रेगुलर ब्रशिंग करनी पड़ेगी, नहलाना होगा इनको अच्छे से, कंडीशनर शैम्पू वगैरह यूज करना पड़ेगा ताकि इनके बाल काफी अच्छे से रहे और इनकी बॉडी काफी अच्छे से रहे। कभी कभार जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसको आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, उतनी आपको डॉग के ऊपर केयर करनी पड़ सकती है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और भी बहुत सारी साइबर हस्की के ऊपर वीडियो तो ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।